तो भाई लोगों, महल की शुरुआत होती है यहाँ से, और यहाँ से चारों तरफ। तो सभी दर्शकों नमस्कार, मैं KRP और हम कुछ दिनों की यात्रा कर रहे हैं। तो आज हम पहुँचे हैं नागौर की धरती। नागौर में हम आए तो कुछ देर मार्केट में घूमने के बाद हमने एक मार्केट के अंदर ही बना एक हमें एक गढ़ नज़र आया। ये देखिए फोर्ट, ये फोर्ट है, इस साइड खंडित भी हुआ है। तो आज हमने सोचा क्यों न हम इस फोर्ट की आपको शेयर करवाएं, क्योंकि नागौर मार्केट की शेयर इस वीडियो में हम लगा रहे हैं, साथ में शेयर की हमने, वो भी देखना। पहले आपको फोर्ट दिखाते हैं, अंदर चलते हैं। हमने 50 रुपये का यहाँ पर टिकट कटवाया है, और पर्यटक की बात करें तो मैं एक ही पहुँचा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आ रहे। ये देखिए इस साइड से टूटा हुआ है कुछ, और ऊपर का कुछ नज़ारा। ये देखिए पुराने ज़माने का फोर्ट है, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। और ये है इसका प्रवेश द्वार, ये गेट है, इसके अंदर से हम जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पर गार्ड है, वो बोल रहे हैं कि आपको आगे बता दिया जाएगा रास्ता। पहले इसके नाम देख लेता हूँ मैं, क्या है, बिजली फॉल। अच्छा ये बिजली पोल है क्या? ये गेट देखिए पुराने ज़माने के, ये देखिए। किस साइड जाए घूमने के लिए? अच्छा उससे आगे, अच्छा अच्छा व्हाइट बोर्ड से क्या? अच्छा ये देखिए कुछ नज़ारे। और दर्शकों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप भी कमेंट करके बताना कि पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो इतना बड़ा क्यों बनाते थे, हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बड़ा इसलिए बनाते होंगे कि उनके पास सेनाएं ज़्यादा थी, तो उनको रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी। वो बड़े बड़े उन्होंने मानो पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े मानो किले बनाए हैं। हम कुछ किलों की शेयर कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो हमने देखा बड़े बड़े किले, बहुत बड़े बड़े किले बनाए हैं पहाड़ों में, 10-10, 15-15 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर। ये कुछ अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ दर्शकों। ये पत्थर देखिए आप, वाह क्या डिज़ाइन है। पुराने समय में ये चौबारे बोलते हैं इसको, ये क्या हुआ करते थे, यहाँ पर सवाई बैठते थे ना। ये छोटा है वैसे तो, कोई तो बैठता था, अब हमें भी पता नहीं है। ये देखिए इस साइड से टूटा हुआ खंडर, पूरा खंडर हो चुका है इस साइड। ये क्या हो सकता, वाह यार ये तो लकड़ी का जाली बनाई है। अंदर कोई मेल है 5। अच्छा भाई साहब हमें बताए, ये पूरा चारों तरफ इतना बड़ा है, किसका है ये महल? ये है अमर सिंह राठौड़ का है। अच्छा अमर सिंह राठौड़ का जी। अच्छा अच्छा उसका ये महल है, ये बहुत लंबा है, करीबन कितना का लंबा होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है? ये बहुत लंबा पता नहीं है मेरे को। हाँ हाँ गार्ड है अंदर, अंदर है, वीडियो अलाउ है? हाँ बिल्कुल। और ये किस नाम से इसके, इस गढ़ का क्या नाम है फोर्ट का? इसका नागौर फोर्ट। नागौर फोर्ट, अच्छा ये टूटा तो बहुत जगह से है ना? हाँ बहुत जगह। अच्छा पर्यटक यहाँ पर कम ही आते हैं ना? हाँ आते हैं, कम ही है। हाँ हाँ देखने कम आते हैं ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए अब इस साइड का व्यू दिखाएंगे आपको, ये देखिए दर्शकों गार्ड साहब है, उनसे पूछेंगे पहले इस साइड कुछ व्यू देखते हैं क्या है इस साइड, देखते हैं इस साइड का नज़ारा यहाँ पर क्या है। ओ पुराने समय के बर्तन हो सकते हैं ये देखिए मिट्टी के बर्तन पुराने समय के हैं, अब आप देख पा रहे हो। अब हम यार इसकी लंबाई बहुत है, इस साइड देखें आपको, ये देखिए चारों तरफ का व्यू नज़ारा। जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे ये फोर्ट आगे जा रहे हैं, और ये बहुत लंबाई है इस फोर्ट की तो वास्तव में। अब देखेंगे, पता है लोग बता रहे हैं कि आगे देखने लायक है, आगे जाएं सीधा। टिकट लो चेक कीजिए,
ये देखिए इस साइड सीधा जाएंगे। अच्छा यहाँ से चलो पहले ये देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है सर? अच्छा ये रानी का महल है, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। ये भी सुंदर नज़र आ रहा है, ये देखिए ये भी सुंदर है। ये देखिए हाथी लकड़ी का, अच्छा ये क्या हुआ करता था पुराने समय में, तांगा हुआ करता था ना इस तरह। अब है तो सही, हमें भी नहीं पता क्या है, तांगा ही था ना पुराने समय का। अच्छा ये तांगा था, ये पालकी है क्या ये? अच्छा ये पालकी, तो भाई लोगों ये नज़ारा कुछ इस प्रकार। इसके ऊपर नहीं जाना, मना कर किया हुआ है कि ये कुछ गिर रहा है, पुराना है ना इस वजह से। तो इस साइड का कुछ व्यू मैं आपको दिखा दूं, ये देख, ये भाई लोगों ये नज़ारा कितना सुंदर। अरे हमने तो सोचा था नागौर में कुछ नहीं है देखने लायक, पर यहाँ पर तो बहुत है कुछ। और ये नागौर का किला देखकर मैं तो आज खुश हो गया, इतना बड़ा किला मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साइड का व्यू और इस साइड का, क्योंकि ये लंबा बहुत है हम पूरा घूम भी नहीं सकते, पर आज जितना समय हमें मिला है उतना घूमते हैं। ये यहाँ पर क्या है ये देखते हैं दर्शकों, नई चीज़ ये क्या हो सकता है, अनुमान लगाते हैं हम। अच्छा ये दर्शकों ये पानी के लिए हो सकते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या है ये, क्या है ये? अच्छा यहाँ से पानी आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये क्या बनाया हो सकता है यार? पुराने ज़माने के लोग क्या क्या बनाते थे, हम तो हैरान है उसे देखकर, आज के लोग नहीं बना सकते। और सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा महल है। इस साइड का देखिए यार कैसे बनाया होगा, पुराने समय में इतनी मानो सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी लोग कैसे बनाए। ये देखिए भाई लोगों, ये देखिए असली चीज़ आई है, ये क्या चीज़ हो सकता है? अच्छा ये फुहारे थे, मतलब डिज़ाइन पानी के फुहारे थे, अभी तो बंद हो गए क्योंकि पुराने समय ज़्यादा हो गया। इसलिए यहाँ पर छोटा सा एक गार्डन, और वो गार्डन इस साइड नज़र आ रहा होगा। अब इस साइड हम एक गार्डन और दिखाते हैं आपको, ये देखिए। अब आगे हम जाएंगे नहीं, उस साइड चलेंगे उस साइड, क्योंकि उस साइड बहुत लंबा है, इस साइड का दिखाएंगे आपको। तो दर्शकों घूम रहे हैं, पर ये मानो अपना फोर्ट है एज वो नागौर का, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत बड़ा फोर्ट है। तो चलिए उस साइड से और देखते हैं, कुछ ऊपर चढ़ के देखते हैं उस नज़ारे को। तो चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं, चलते हैं आगे। चलो दोस्तों फोर्ट के अंदर घूम लिए, अब आपको ये देखिए कितना सुंदर लंबा, जैसे हॉल मानो, कितना सुंदर है। इस तरह होती है फिल्म शूटिंग, ये देखिए। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे। ये देखिए ये फोर्ट, इस प्रकार का नज़ारा इस प्रकार, और ये इस प्रकार हमारे ऊपर, ये देखिए। अब आप देख पा रहे हो, हम सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं दिखा सकते, जितनी दिखा रहे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये नज़ारे देखने लायक है। तो दर्शकों घूम रहे हैं, आपको साथ लेकर घूम रहे हैं। अब पता नहीं हम भी कहाँ से कहाँ निकल लिए, ये तो हमारे समझ से बाहर है, कहाँ से निकले थे हम तो गुम हो गए इसे बड़े सारे फोर्ट के अंदर। मेरे पीछे व्यू देखा आपने, एक बार और दिखा देता हूँ, चारों तरफ देखिए, ये देखिए। आज एक बात बताएं आपको, नागौर की यात्रा करते 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 हमें ये फोर्ट दिखा, और फोर्ट को देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि ऐसा फोर्ट हम देख रहे हैं पहली बार, क्योंकि इतना बड़ा फोर्ट नहीं देखा हमने। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े मनाए मानो, बड़े बड़े चार दीवारी मकान, बड़े बड़े बनाए थे। दर्शकों को तो ऊपर चढ़ के देखिए अलाव है या नहीं है, या हमें देख लेंगे तो मना ही करेंगे। ऊपर से देख लेते हैं हमें क्या है, उतना ऊपर नहीं जाएंगे।
ये देखिए छत के ऊपर चढ़े हैं तो देख ही लेते हैं चारों तरफ। और इस साइड फोर्ट आगे आपको नजर आ रहा होगा, बहुत लंबा चौड़ा फोर्ट है। तो दर्शकों ऊपर भी चढ़ के हमने आपको दिखाया, अब जा रहे हैं बाहर वापस, कुछ चीज और रहेगी वो दिखाएंगे। इस साइड क्या है, किस तरह का नजारा, फोर्ट देखिए बहुत लंबा चौड़ा है। आपको एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, चलते रहे, इसकी दीवार देखिए कितनी चौड़ाई है इस दीवार की, ये देखिए बहुत चौड़ाई है। हो गया उससे, अब कहाँ पे जाएं, इस साइड और है क्या? इस साइड बंद है। बंद है हाँ। अच्छा तो बाहर जाए फिर, देख लिया पूरा? हाँ देख लिया पूरा, तो घूम ही नहीं सके हाँ। लंबा चौड़ा बहुत है। तो दर्शकों भाई बोल रहे हैं कि पूरा देख लिया, नहीं रे पूरा तो हम देख ही नहीं पाए, लंबा चौड़ा बहुत है इस साइड। तो ये मानो हमारे मारवाड़ में कहते हैं डमढेर है, डमढेर। और आगे तो जाएंगे नहीं, ये जैसे मानो कुलदरा है ना, कुलदरा उस तरह का नजर आ रहा है। ये देखिए ये पुराने समय की कला है, इन पत्थरों में मूर्त है, ये पुराने समय का क्या हो सकता। अच्छा ये है पुराने समय की, वो जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो सकता है, अनुमान लगाओ आप कमेंट करके हमें बताओ क्या हो सकता है। अरे ये देखिए ये गोल गोल पत्थर, इसे ही देखते हैं, ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है। एक और ये देखिए, ये देखिए ये गोल 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 पुराने समय की कला, पुराने समय के पत्थर है, ये पुराने समय के पत्थर है, ये देखिए ये क्या हो सकता है, ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है। अरे भाई ये देखिए, ये देखिए अपनी बॉल यहीं पर रह गई थी, चलो आज लेके जा रहे हैं ये अपनी बॉल। ये देखिए ये पूरे के पूरे पुराने समय के पत्थर है। और इस साइड ये क्या है, इसे कमेंट करके आप हमें बताइए क्या हो सकता है, ये चक्की हो सकती है पुराने समय की। और क्या इस साइड भी और है, वो भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बैठने के लिए, ये कुछ इस प्रकार है। और ये कोई बर्तन था पुराने समय में, ये भी पानी डालने का कोई बर्तन था पुराने समय में। और ये भाई देखिए बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं पुराने समय के, ये सारे के सारे पुराने समय के, जब इंसान इसके अंदर नहीं रहते ना तो पूरा सुनसान नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कितना सुनसान नज़र आ रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा चारों तरफ। चलो चलो भाई लोगों अब चलते हैं बाहर, क्योंकि इस फोर्ट में घूम के हमें आनंद आ गया। और देखते हैं ये सारी चीज़ें हमने दिखाई, और दिखा देते हैं एक बार और, ये देखिए ऊपर का नज़ारा किस प्रकार है। और इस साइड का नज़ारा देखिए, इस साइड का नज़ारा देखिए। एक बात बताएं आपको, पुराने समय में जो राजा महाराज है वो उन्होंने आनंद लिया है इन महलों में रह कर के, इतने बड़े बड़े महलों में। अपना घर मानो 5 कमरों का घर हो वो भी बहुत बड़ा लगता है, वो इतने बड़े महलों में रहते थे, कितना आनंद लेते होंगे, उन्हें ही पता है, हमें ही पता है उनकी मस्ती का। अब हम तो यहाँ पे बैठे अनुमान ही लगा सकते हैं। अब हम पोर्ट से बाहर निकले हैं और अब आपको ले चलते हैं मार्केट की यात्रा करवाने। तो दर्शकों इस साइड वो अपना चौक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड चौक है। और अब हम आपको नागौर मार्केट की यात्रा कराएंगे, तो चलिए करते हैं नागौर मार्केट की यात्रा, और कुछ हमें चीज़ें लानी है वो भी लाते हैं और स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। लोगों के रिएक्शन बहुत ही अलग आ रहे हैं, इस मार्केट में घूम रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमने पीछे पूछा तो पीछे लोग बता रहे हैं कि आगे जाओ आप गांधी चौक की तरफ।
तो ये कुछ मार्केट का व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये नागौर के मार्केट से हम गुजर रहे हैं, लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये भाई क्या बना रहा है। कुछ भाई साहब गांधी चौक कहाँ पे है? गांधी चौक इस साइड है क्या? गांधी चौक सीधे ही है। अच्छा सीधे ही है, थैंक यू। तो गांधी चौक की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा मार्केट बताया जा रहा है कि वहाँ पर आपको आप जो भी लेना चाहिए वो मिल सकता है। तो चल रहे हैं, चलते चलते बनाते साथ में वीडियो और लोग हमें देख रहे हैं, हमें तो बहुत ही हंसी आ रही है। तो भाई लोगों किसी ने इस मॉल के अंदर बांट दिया कि यहाँ पर मिलेंगे, तो तब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो मॉल दिखाएं आपको, ये देखिए। चलो नहीं मिलेगा तो चलते हैं, जा रहे हैं थे। चलो दर्शकों मैं सोच रहा हूँ कि नागौर इस क्षेत्र के मैं दो ब्लॉग बनाऊं, पर एक ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ही कम है और हमें आज ही निकलना है। और अभी हम जोधपुर जाके ही स्नान करेंगे, अभी तक हमने स्नान नहीं किया क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। जब जिस हॉस्टल में हम रुके हैं उसमें पानी बहुत ठंडा है आगे, और ठंडे पानी से नहाने जा रहा है सर्दी में क्योंकि हमने जैकेट दो तीन दिनों से उतारा ही नहीं है। तो क्या करें, जोधपुर में जाकर ही स्नान वगैरह करेंगे और जोधपुर से नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं कुछ आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको नागौर क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ पर रुका हूँ, तो यहाँ के कुछ मार्केट से आपको परिचित करवा दूँ, इसलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए चेहरा छुपा रहे, ये देखिए ये भाई साहब हमें देखे लोग। अब पता नहीं नए शहर में आए हैं तब देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं, ये तो आप ही बता सकते हो। तो दर्शकों हम जिस चीज़ के लिए जा रहे थे मार्केट में आए हैं, जिस चीज़ लाने गए थे वो चीज़ तो हमें मिली नहीं, पर अब जा रहे हैं हम अपने रूम पर और वहाँ पर खाना वाना करेंगे और फिर सोएंगे और सुबह निकलेंगे अगली यात्रा के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, कुछ ही समय में वीडियो अपलोड करते हैं और शायद हमारा वीडियो 7:30 बजे का समथिंग आप देख पा रहे हो हमने अपलोड किया है। दर्शकों हम यात्रा से जुड़ी गाइड वीडियो में बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं दर्शकों अपनी नई ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।